मध्य प्रदेश में चुनावी संघनाद के साथ लोगों में भी चुनाव को लेकर अपनी अपनी राय बनने लगी है। आज के हमारे कार्यक्रम जनता की बात में हम जनता की ही राय जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि वह इस चुनाव में अपना प्रत्याशी कैसा चाहते हैं। इन्हीं सवालों के साथ आइए देखते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनता की बात संवाददाता दिनेश दसुंदी के साथ। नमस्कार, मैं हूं दिनेश दसुंदी, एक बार फिर से हाजिर हूं जनता की बात कार्यक्रम के साथ। जनता की बात कार्यक्रम में हम लगातार राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते रहे। आपको बता दूं कि हमारे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चाओं पर आधारित नहीं है। इसके अलावा हम आपको जनता के हर उस सवाल का उस जवाब को आप तक, प्रशासन तक और शासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। जनता की हर बात को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। आज जनता की बात में पब्लिक ओपिनियन जानेंगे, पब्लिक से जानेंगे कि वे अपने प्रत्याशी के रूप में, अपने जो प्रतिनिधि के रूप में, जो विधायक के लिए जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है, उसमें क्या योग्यताएं देखते हैं, क्या उनकी योग्यताएं मानते हैं, किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए। इसी तरीके से आज हम पब्लिक ओपनिंग जानने का प्रयास करेंगे, जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जाकर के लोगों से जानेंगे कि वे अपने प्रत्याशी में क्या योग्यताएं देखते हैं और किस तरह का उनका प्रत्याशी हो, यही जानने का आज हम प्रयास करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे, जनता की बात कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ किसी जाति, संगठन, व्यक्ति विशेष और राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते और ना ही किसी का विरोध करते हैं। यहाँ व्यक्त विचार व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचार है, जिससे चैनल को इत्तेफाक नहीं होता है। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जनता की बात में जनता की ही बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और जनता से जानते हैं कि वे अपने प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी जो आने वाले चुनाव में खड़े होंगे, उनमें क्या योग्यताएं देखते हैं और क्या योग्यता को लेकर के वो किस तरह से मतदान करेंगे और उनकी क्या उम्मीदें हैं, इन उम्मीदों को कितना वे जमीन पर उतार पाएंगे। इस तरह के सभी विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इस तरह से सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। लगातार लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ एक महिला व्यापारी जुड़ रहे हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमन भाई है, सेराम से, माली, सुमन माली, और मेरे सरनेम भी बता दें। फिलहाल अभी चुनाव आने वाला है, आप प्रत्याशी कैसा चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी कैसा हो? जो अपने जैसा है, जो गरीब को समझ के चले उसका चुनाव होगा, गरीबों को जो समझेगा उसका चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल शिवराज सिंह की सरकार है, शिवराज सिंह काम कर रहे हैं, बीजेपी कहती है काम कर रही है, आप क्या कहेंगे? शिवराज के कार्यकाल से संतुष्ट है? हम ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह काम तो कर रहा है, पर जो बूढ़ी महिला है उनका क्या कुछ कर रहा है क्या? वो है उनका 600 रुपये महीने भी, 400 रुपये भी तो नहीं बढ़ा रहे हो, तो जवान महिलाओं को दे रहे हो तो मजदूरी करके खाते, और बूढ़ी महिलाओं को क्या है, क्या करके खाए? तो उसके लिए हम कह रहे हैं, ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, उनका पेंशन भी नहीं बढ़ रही, 600 के 600 ही 600 रुपये पेंशन मिल रही है, पहले जो मिलती तो जवान महिलाओं को दे रहे हैं, बूढ़ों को नहीं दे रहे, आपकी नाराजगी है? नाराजगी। आपको क्या लगता है इस बार शिवराज सरकार बनाएगा? शिवराज बनाए या नहीं बनाए हमको उससे कोई मतलब नहीं, जो अच्छा काम करेगा वो बन जाएगा, अगर वो जो अच्छा काम करेगा वो आ जाएगा। शिवराज सिंह 1000 देते हैं फिर 1200 करते हैं, कमलनाथ कह रहे हैं आप लोगों को, महिलाओं को, सभी महिलाओं को, बूढ़ी हो या जवान हो, उम्र का कोई बंधन नहीं रहेगा, 1500 रुपये देंगे, आप क्या कहेंगे? वो आ जाएगा, कमलनाथ आ जाएगा, बिल्कुल कमलनाथ की सरकार बन जाएगी, बन जाएगी। उन्होंने केवल घोषणा की है, उन्होंने घोषणा करी है ना, उन्होंने बूढ़ी महिलाओं का, जवान महिलाओं का एक जैसा रखा है, उसमें कोई वांदे वाली बात नहीं है। और इसने तो जवान जवान महिलाओं को दे रहे, बूढ़ी महिलाओं को क्या मसान में जाके गाड़ोगे क्या? बूढ़ी महिलाओं को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, 600 रुपये महीने से आला, तो 600 मेरा महीना तो कब से चल रहा है, कम से कम 40-50 साल से चल रहा है, 600 रुपये महीना, 600 रुपये महीना 40-50 साल से पुराना चल रहा है वो। तो कमलनाथ 1500 देने का कह रहे हैं, तो आप वो कह देगा क्या? दे रहे हैं, जीतेगा जब देगा, नहीं हारेगा तो भी कहाँ से देगा, उसके घर से थोड़ी दे सकते। हम लगातार लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोगों ने निमाड़ी में भी अपनी राय की, हमारे साथ एक व्यापारी जुड़ रहे हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम है सुमेर सिंह वर्मा। सुमेर सिंह जी, सुमेर भाई, अब चुनाव की घोषणा होने लगी है, प्रत्याशियों का चयन होने लगा है, मध्य प्रदेश में कैसा प्रत्याशी खरगोन में चाहते हैं आप? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि जो समस्या का हल करे और तो गरीबों की समस्या सुने, समझे और अच्छा काम करे। अच्छा काम करे। अभी मध्य प्रदेश में फिलहाल शिवराज सिंह की सरकार है, आप शिवराज सरकार से संतुष्ट हैं, कितना क्या संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, अभी उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, लाडली देना कार्य चल रहा है, अभी बहुत से महिलाओं की दिक्कत भी है, परेशानी भी आ रही है, बहुत से उनके पैसे भी नहीं मिल रहे, और अभी कार्यकाल अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अब देखो, अब ये तो कुछ कह नहीं सकते अपन, अब ये तो अब आप मतदाता खुद समझदार हो गया, जाके वही निर्णय लेता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए।
यहाँ आप जब हाट बाजार में रहते हो तो हाट बाजार में भी बहुत सारी समस्या है, कुछ समस्या आपकी? हाँ है ना, अभी यहाँ पे बाजार में पानी की टंकी नहीं है, 5 साल हो गए, सरपंच कहीं ध्यान नहीं देता है। आपने बड़े जनप्रतिनिधियों को, विधायक वगैरह को ये समस्या से अवगत करवाया? हाँ, सरपंच साहब को हमने कम से कम, मैं कार्यकाल में पंचर रह चुका हूँ, मेरे कार्यकाल में भी मैंने इनको बताया यहाँ पे कि पानी की टंकी की परेशानी है, सब व्यापारी लोग परेशान होते हैं, बाजार करने वाले आते हैं वो भी परेशान होते हैं। आने वाले चुनाव में सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह के काम होना चाहिए? सब अच्छे से अच्छे काम होना चाहिए, जो भी समस्या है उसके हाल। और यहाँ पे अभी बाजार में फिलहाल में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पानी की ज़्यादा दिक्कत है। इस बार खरगोन में कौन सा दल, आपको क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस किसका विधायक बनेगा? अब ये तो अब अपन कहीं निर्णय नहीं ले सकते, अब देखो अभी तो मतदाता के ऊपर है, मतदाता के ऊपर है। हाँ। इस बार फिलहाल खरगोन में रवि जोशी विधायक है कांग्रेस के। या पानी की टंकी की व्यवस्था करो, हम मतलब गर्मी में मतलब इधर उधर से पानी मांग के पीना पड़ता है, बहुत परेशान के पानी पीना पड़ता है। मध्य प्रदेश में फिलहाल शिवराज की सरकार है, आपको क्या लगता है कैसा क्या कार्यकाल रहा शिवराज सिंह का? शिवराज सिंह का कार्यकाल अच्छा है, शिवराज सिंह का कार्यकाल अच्छा है। इस बार कौन सा दल बाजी मारेगा मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार बनेगी? शिवराज सिंह की बनेगी, मोदी की बनेगी। मोदी जी को लाइक करते हैं आप, शिवराज की सरकार बनेगी। खरगोन में विधायक है रवि जोशी जी, कैसा क्या रहा उनका कार्यकाल, कैसा रहा? रवि जोशी का अपन को कार्यकाल जमानी, मतलब आप रवि जोशी जी को परिवर्तन चाहते हैं। भाजपा में आप किसको विधायक के रूप में, भाजपा में टिकट को लेकर के कई तरह की बातें चल रही है, कभी बालकृष्ण पाटीदार का, कभी कल्याण अग्रवाल का, कभी राजेंद्र राठौड़ का, अलग अलग कई नाम आ रहे हैं, आपको क्या लगता है भाजपा की ओर से कौन प्रत्याशी होना चाहिए? भाजपा की तरफ से वो, अब हम पहुंच चुके हैं बाजार हाट में। आज रविवार ऊन में बाजार हाट लगता है और लोग, गांव के लोग, बाहर के लोग यहाँ आते हैं। हमारे साथ एक और जो व्यक्ति जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? रवि वर्मा। रवि वर्मा, रवि जी चुनाव आने वाला है, दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी खड़े करने वाली हैं। आप प्रत्याशी में क्या खूबियां देखते हैं, क्या किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? हमें इस प्रकार का प्रत्याशी चाहिए कि समय समय पर आके गाँव की दशा देखे, अस्पताल में देखे, शिक्षा के स्तर पर देखे और उसके सही करने का प्रयत्न करें, क्योंकि अधिकतर अस्पताल में कुछ समस्या रहती है, स्कूलों में रहती है और दूसरी पंचायत वगैरह में रहती है समस्याएं, तो उनको देखे, आए और मिले, लोगों से भी मिलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि विधायक बन गए, सांसद बन गए तो बस अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको आना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, क्या समस्या है उनसे पूछना चाहिए, इस प्रकार से। मतलब आप कर्मठ प्रत्याशी के रूप में देखते हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल शिवराज की सरकार है, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? पिछले 15-17 सालों से तो बीजेपी की सरकार है और इस बार भी मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार ही आएगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी बढ़िया काम किया है। आप शिवराज सिंह के कार्यकाल से, शिवराज सिंह जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं तो 100% संतुष्ट हूँ। खरगोन में आपको क्या लगता है इस बार किस, कौन सा दल बाजी मारेगा, किस दल का विजय, कौन सा दल, भाजपा या कांग्रेस? वैसे तो अभी पिछले बार जो अभी है विधायक रवि भाई जोशी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर ये तो अब उसके ऊपर है कि कौन आए कौन नहीं है, जनता के ऊपर है, जनता चुनेगी, जनता चुनेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि खरगोन में इस बार रवि जोशी जी जो 5 साल इन्होंने निकाले, इनका कार्यकाल कैसा रहा, संतुष्ट रहे? कार्यकाल तो संतुष्ट भरा कार्यकाल है, संतुष्टि भरा कार्यकाल, पर आने वाले में परिवर्तन भी चाहते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं। आप विधायक के रूप में जैसे परिवर्तन चाहते हैं, तो भाजपा में विधायक के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? भाजपा में विधायकों को लेकर, टिकटों को लेकर दौड़ मची हुई है, कहीं कल्याण अग्रवाल तो बालकृष्ण पाटीदार, राजेंद्र राठौड़, तो आप किसको देखना चाहेंगे, कौन सा प्रत्याशी आपको भाजपा की ओर से अच्छा लगे? मैं तो चाहता हूँ कि पिछली बार जो रहे हैं, इस बार किसी नए को मौका देना चाहिए उन्होंने, क्योंकि नया आएगा तो नई बात करेगा, नए काम करेगा, मतलब भाजपा की ओर से नए प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए, नए प्रत्याशी को मैं चाहता हूँ कि टिकट मिले। ये तो रवि जी जिन्होंने अपनी राय रखी है, ये एक राय मात्र है और हम किसी का समर्थन, किसी का विरोध नहीं, किसी राजनीतिक दल, किसी पार्टी विशेष और व्यक्ति का समर्थन विरोध नहीं करते हैं। दादा या वैसे दादा से ही पूछते हैं, दादा चुनाव आई हो कसो का ही, इस बार चुनाव में कसो का ही रहेगा? अच्छा रहेगा बिल्कुल। आपका का ही लगा, काम अच्छा कर ही रही सरकार? हाँ, सरकार काम अच्छा कर ही रही। हाँ, क्यों नहीं करेगा सरकार, अभी जो सरकार थी शिवराज सिंह की, काम अच्छा कर, शिवराज सिंह ने काम अच्छा कर। आपने कई चुनाव देखा, इस बार का ही लगा आपका कौन जीतेगा?
आप देखो ऊपर और बारिश से आप कहाँ से काल जाते नहीं नहीं फिर भी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अब कमल कमल को फूल के हाथ को पंजो आओ कमल कमल को फूल कमल को फूल जीतेगा दादा कह रहा है कमल का फूल जीतेगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज हम पब्लिक ओपिनियन है पब्लिक की राय जानेंगे पब्लिक अपने विधायक प्रत्याशी के रूप में एक प्रत्याशी के रूप में उसकी क्या योग्यताएं देखती है उसमें क्या खूबियां देखती है ये जानेंगे। मध्यप्रदेश की सरकार से लोग संतुष्ट हैं कि नहीं ये जानने की कोशिश करेंगे। इस बार मध्यप्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ऐसे कई प्रश्नों के साथ मैं मौजूद हूँ ऊन के बस स्टैंड पर एक होटल के ऊपर यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? यज्ञनारायण। जोर से बोलो। यज्ञनारायण मंडलोई। यज्ञनारायण मंडलोई आप खरगोन के एक प्रत्याशी एक विधायक के प्रत्याशी के रूप में क्या खूबियाँ देखते हैं क्या चाहते हैं किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? पार्टी जिसको भी टिकट दे पर आप एक प्रत्याशी की खूबी क्या देखते हैं कौन किस तरह का होना चाहिए क्या काम करने वाला और कैसा होना चाहिए? अच्छा ना वो विधायक अच्छा विधायक होना चाहिए। मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी सरकार किसकी बनेगी? किसी की भी सरकार बने पार्टी की जो उससे जुड़े हुए करें काम। आप मध्य प्रदेश सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है कार्यों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। हम लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं अभी हमें मौजूद है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार मंडलोई। अजय कुमार मंडलोई जी आप एक विधायक प्रत्याशी में क्या खूबियाँ देखते हैं कैसा प्रत्याशी होना चाहिए खरगोन के लिए क्या प्रत्याशी में क्या खूबियाँ देखते हैं कौन से गुण होना चाहिए? विधायक ने विकास करना चाहिए पूरा क्षेत्र का अच्छे काम करना चाहिए सरकार की योजना बताना चाहिए उसने सब काम करना चाहिए उसने मतलब विधायक काम करने वाला होना चाहिए। और क्या खूबियां देखते हैं आने अभी जैसे चुनाव आने वाला है चुनाव में विधायक प्रत्याशी को लेकर अभी टिकटों को लेकर चल रही तो क्या खूबी होना चाहिए विधायक का प्रत्याशी कैसा हो आपके विचार से कैसा होना चाहिए? विधायक ने अपने क्षेत्र में जाना चाहिए सबकी योजना शासन की बताना चाहिए उसने और सबके काम करना चाहिए उसने सबके काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी? मध्य में सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी बीजेपी की सरकार क्यों बनेगी ऐसा कौन सा काम किया बीजेपी ने? बीजेपी की योजना भी अच्छी चल रही है सब शिवराज सिंह का भी योजना चला रहा है बीजेपी की सरकार बीजेपी की बनेगी बीजेपी की सरकार बनेगी। आप अपने ऊन के लिए क्या चाहते हैं क्या लगता है आपको ऊन में क्या हो जाना चाहिए क्या योजनाएं आना चाहिए किस तरह के काम होना चाहिए आगामी सरकार से? सरकार अब जब भी यहाँ जो भी काम होगा यहाँ अभी नारायण कुंड का भी काम है यहाँ पे और जो भी प्रस्तावित महालक्ष्मी मंदिर है और एक आईटीआई कॉलेज भी यहाँ पे है जो भी सरकार आएगी मांग रखेंगे उनके विकास के लिए। अच्छा आप जो फिलहाल में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार चल रही है उनके कार्यों से संतुष्ट हैं बीजेपी कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है अभी उनके काम अच्छे चल रहे हैं। साथ ही खरगोन में विधायक हैं रवि जोशी जी उनके कार्यकाल से आपको क्या लगता है कैसा क्या रहा उनका कार्यकाल? वो भी अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं दौरा कर रहे हैं वो भी विधायक है पूरा क्षेत्र है उनका भी वो भी दौरा कर रहे हैं। हम लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं एक होटल के अंदर चलते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश परसाई। मुकेश जी चुनाव आने वाला है प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है एक प्रत्याशी में आप क्या योग्यता देखते हैं क्या खूबी होना चाहिए प्रत्याशी कैसा होना चाहिए विधायक के रूप में खरगोन का नया प्रत्याशी कैसा हो? प्रत्याशी काम करने वाला प्रत्याशी होना चाहिए भी अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छे काम करे ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। आप क्या खूबियां देखते हैं कि भाई जैसे अब चुनाव आने वाला है तो इस चुनाव में आपका प्रत्याशी किन योग्यताओं को लेकर आए किस तरह का आना चाहिए? भाई एक तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए अपने विधानसभा का सब पूरा वो अच्छी पकड़ उनकी उनमें कार्यकर्ताओं के अच्छे होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति अच्छा होना चाहिए पढ़ा लिखा व्यक्ति। मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी क्या लगता है? इस बार तो लग रहा है कि कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने क्या है कि आपको गुटबाजी ज़्यादा बना रखी है इसलिए ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। खरगोन में क्या रहेगा आपको क्या लगता है खरगोन में इस बार रवि जोशी विधायक हैं कैसा क्या रहा उनका कार्यकाल और अगली बार क्या रहा? अच्छा कार्यक्रम भी रहा है और आने वाले विधायक भी उभर रहे हैं। विधायक के रूप में आप रवि जोशी जी को जीत देते हैं। आपका क्या नाम है? सावन यादव। प्रत्याशी आप कैसा चाहते हैं अपने खरगोन विधानसभा के लिए प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? अच्छा है। होना चाहिए।
अब हम पहुँचे हैं सेन नाई की दुकान पर, वहाँ उनसे पूछते हैं कि क्या क्या नाम आपका? गजेंद्र सेन। आप खरगोन विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, बहुत जल्दी प्रत्याशी भी तय होंगे, आप अपने एक प्रत्याशी में क्या खूबियाँ देखते हैं, क्या गुण होना चाहिए, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, काम होना चाहिए, रोड बिजली खरंजे सब काम होना चाहिए, गांव के विकास के लिए सभी काम होना चाहिए, हर गांव में नल जल पानी की सड़क की सब योजना भी अच्छा होना, काम होना, जो अच्छा काम करेगा वो क्या प्रत्याशी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है, क्या आप शिवराज की सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, हमको ये लाडली बहना योजना, ये कमलनाथ जी के 1250 शिवराज सिंह जी दे रहे हैं, 1500 जी कमलनाथ जी बोल रहे हैं 1500 देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किसके पक्ष में क्या माहौल बना। आपको क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी? अब देखो ये तो अभी कह नहीं सकते कि किस तरह ऊँट बैठ जाए, अभी तो बिल्कुल बराबरी का माहौल चल रहा है। अच्छा, आने वाले समय किस ऊँट में किस करोड़ में, मतलब अभी स्पष्ट नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, कौन सरकार में बाजी मारेगी। आपको खरगोन में क्या लगता है कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, क्या रहेगा खरगोन का? खरगोन में भी बिल्कुल कांटा टक्कर ही रहेगी, खरगोन की टक्कर। अभी फिलहाल खरगोन में विधायक रवि जोशी हैं, रवि जोशी का कार्यकाल कैसा रहा, आपको क्या लगा रवि जोशी जी का काम करने की शैली वगैरह कैसी रही? ऐसे बढ़िया है, बाकी सरकार विपक्ष बीजेपी की है और विपक्ष में है तो कुछ काम जितना थोड़ी मिलेगा जो मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब सरकार बीजेपी को रवि जोशी जी को काम नहीं मिल रहे हैं, बाकी काम अच्छा कर, काम तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मध्य प्रदेश में आने वाली सरकार से आप उम्मीद क्या करते हैं, अपने गाँव को आप ऊन के रहने वाले क्या उम्मीद करते हैं, आपके गांव को क्या मिलना चाहिए, क्या क्या हो जाना चाहिए? अपने गांव को भैया पानी की समस्या, रोड खरंजे ये सब काम अच्छे व्यवस्था हो, ग्राम पंचायत में अस्पताल अच्छा बने, यहाँ पे स्कूल कॉलेज को, कॉलेज की मांग तो कई सालों से चल रही है कॉलेज की। ये थे गजानन जी सेन जिन्होंने कहा कि यहाँ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की कमी आए, स्वास्थ्य की कमी के साथ शिक्षा की भी कमी है, और शिक्षा की कमियों में जैसा कि इन्होंने कहा कि ITI कॉलेज वगैरह अन्य होना चाहिए, और स्वास्थ्य के मामले में भी हॉस्पिटल में बहुत सारे सुधार की उम्मीद लेकर के चल रहे हैं। आगे भी हम लोगों की राय जानते हैं। हम बाजार हाट में मौजूद हैं जहाँ यहाँ थोड़ी थोड़ी दुकानें लगने लगी, एक और व्यापारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश महाजन। महाजन जी, चुनाव की घोषणा होने जा रही है और अब प्रत्याशियों का चयन भी होगा, पार्टियां प्रत्याशी अपने अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, आप क्या सोचते हैं किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए जो गांव का विकास कर सके, नए किसानों को पानी दे सके, और जो बाजार हाटों की जो समस्या है कीचड़गाड़ में ध्यान ही दी जा रही, सरपंच में जो भी उनमें ध्यान दिया जाए, विकास हो गाँव का विकास हो। हाँ, यहाँ बाजार हाट में आपको क्या कमियाँ, क्या क्या कमी लग रही है, किस तरह की कमियाँ हैं, किस पर सरकार ने क्या ध्यान नहीं दिया? पंचायत व्यापारियों के जो होटले बनाए गए थे वो सब अधूरे पड़े हुए हैं, 5 साल तक अभी कोई काम नहीं हुआ, होटले जो अधूरे काम थे वो छूट गए हैं सब, अभी 10-12 होटले लगे हैं और बाकी सब कीचड़ में, पानी बारिश में तो टोड़े तक गड्ढे हो जाते, पानी भर जाता है, पानी जैसे भर जाता है। तो आप लोगों ने समस्याएं वर्तमान विधायक या सरकार के किसी प्रतिनिधि को बताई कि नहीं बताई? समस्या सुनाए थे, आवेदन दिया था, आवेदन भी दिया था। मध्य प्रदेश में इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखो सर, जनता का मूड है, जनता का मूड है, फिर भी आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? मारेगा ये शिवराज सिंह, मार देगा शिवराज सिंह, बाजी मार देगा शिवराज सिंह ने, ऐसे कौन से काम किए फिर से बाजी मार देगा? ये महिलाओं को जो लाड़ी योजना का जो लाभ मिला है, जो काफ़ी महिलाओं के लिए सहयोग राशि मिली है, उसके आधार पर से लाड़ी योजना बहनें सब जिता देगी, उनको लाड़ी बहनें जिता देगी। शिवराज के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? शिवराज का कार्यकाल जो रहा है उससे संतुष्ट हैं? 80% संतुष्ट, 20% नाराजी। 20% नाराजी किस काम को लेकर है? जो घोषणा आई थी वो उस पर अमल नहीं किया, जमीन में जो जमीन स्तर जो काम होना था वो हो नहीं पाया। किस तरह की घोषणाएं थी? ये बिजली पानी की आवश्यकता। अच्छा, बिजली पानी को लेकर कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी असंतुष्टि शिवराज सिंह से। खरगोन में वर्तमान में रवि जोशी विधायक है, उनके कार्यकाल से को क्या कहेंगे, कैसा क्या रहा उनका कार्यकाल? सामान्य रहा उनका, सामान्य रहा। यदि आपसे पूछे कि 10 में से आप उनको कितने नंबर दोगे? 5 नंबर, 10 में से 50% 5 नंबर देंगे। आप अब जो आने वाला विधायक देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस दल का, कांग्रेस या भाजपा या आम आदमी पार्टी, किस दल का विधायक आपके? युवा का मुँह होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए विधायकों में भी, ऐसा नहीं कि एक समय को एक टिकट एक को दिया जाए, पार्टी कोई भी सी हो,
विधायक का चेहरा बदलना चाहिए, विधायक का चेहरा बदलना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं खरगोन में आप परिवर्तन की उम्मीद रख रहे हैं। हाँ, विधायक के लिए, विधायक के लिए भी परिवर्तन की उम्मीद रख रहे हैं। इसके साथ ही हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। हमें कटलरी की दुकान पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? असलम भाई। असलम भाई, मध्य प्रदेश में चुनावी कार्यकाल लग गया है, चुनावी समय लग गया है, अब चुनाव लगभग नज़दीक आ चुके हैं, विधायक प्रत्याशियों का वो नाम होने लगे हैं, प्रत्याशियों के चयन होने लगे हैं, टिकट होने लगे हैं, तो आप एक प्रत्याशी किस तरह का देखते हैं, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? आप ऊन में किन कामों को से लेकर तो नाराज़ हैं कि कौन से काम होना चाहिए? जो आप बाज़ार में बैठे हो तो कौन कौन से काम थे जो बाज़ार पट्टी में नहीं हो पाए? ये कीचड़ है बाज़ार पट्टी, कीचड़ है। ये सब क्या और नहीं फोटो है बाज़ार की? हम मिर्च मसाले की दुकान पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पूनम वर्मा। पूनम वर्मा, पूनम जी, चुनाव की घोषणाएं हो चुकी है, चुनाव जल्द होने वाले हैं, प्रत्याशियों का चयन भी होने लगा है, आप खरगोन में कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी हो? मेरे लिए तो शिवराज सिंह चौहान ही ठीक है। शिवराज सिंह चौहान ठीक है। खरगोन में विधायक के रूप में कैसा प्रत्याशी हो, आप क्या चाहेंगे? काम अच्छा होना चाहिए, और क्या है, काम अच्छे होना चाहिए। बिल्कुल, काम अच्छे होना चाहिए। मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार है, शिवराज सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया है, संतुष्ट है। अच्छा कार्यकाल रहा उनका? कार्यकाल रहा अभी तक तो। इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो अभी कह नहीं सकते, बाकी जो अच्छा काम करवाएगी उसकी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है, काम होना, आपको क्या लगता है शिवराज, आपको क्या लगता है शिवराज एक बार फिर से बाजी मारेंगे? मार सकते हैं ना, फिर मार सकते हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 1500 देंगे, गैस की टंकी 450 रुपये में, 500 रुपये में देंगे, किसानों का कर्जा माफ होगा, कई तरह के वादों के साथ कमलनाथ उतरे, बिजली बिल माफ करेंगे, तो आपको ये नहीं लगता है कि कमलनाथ जीत जाएंगे? कमलनाथ को भी दे सकते हैं ना, अगर वो कह दिया घोषणा उनकी सही हो जाए तो उनको भी वोट दे सकते हैं। मतलब केवल घोषणा है, कि घोषणा के बाद में अगर वो अभी चुनाव के पहले कुछ करे काम तो 100% जीत जाएंगे, 100% जीत जाएंगे। अभी फिलहाल आपको क्या लगता है खरगोन में कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी? अभी कोई कह नहीं सकता है। खरगोन में वर्तमान में रवि जोशी विधायक, उनके कार्यकाल से आपको संतुष्टि है, कैसा क्या रहा उनका? उन्होंने भी बढ़िया काम करवाया खरगोन में, बढ़िया काम करवाया। हम बाजार हाट में लगातार लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की राय जानते हुए हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वे आगामी प्रत्याशी किस तरह का चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता जी, मध्य प्रदेश में चुनावों का लगभग माहौल बन चुका है, अब धीरे धीरे चुनावी माहौल बन चुका है, और अब प्रत्याशियों को तय किया जा रहा है कौन सा प्रत्याशी कौन सा कहाँ से चुनाव लड़ेगा। आप खरगोन में किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं, खरगोन में किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार। खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार को आप देखते हैं, बालकृष्ण पाटीदार ही क्यों? क्योंकि उसने कार्य करने में अच्छा काम करा है, काम अच्छा किया। आप बालकृष्ण पाटीदार को चाहते हैं, मतलब बीजेपी को चाहते हैं? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। शिवराज सिंह ने ऐसे कौन से काम किए जो आप कहेंगे शिवराज सिंह से संतुष्ट है? हर काम उसने अच्छे करे, अच्छे किए हैं। हाँ, एक दो काम गिना दीजिए। जैसे महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, गैस की टंकी अभी 450 में देगा, और अभी महिलाओं को हर चीज़ में सुविधा दे रहा है, महिलाओं को दे रहा है। आप एक व्यापारी हैं, आपकी भी समस्या रहती है, महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस कहती है महंगाई बढ़ रही है। हाँ, महंगाई तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि समस्या क्या है, फसलों का नुकसान है। अच्छा, तो महंगाई बढ़ना ही है उसके से, फसलों की नुकसानी की वजह से। आप दाल दलहन का धंधा करते हैं, तुअर की दाल अभी फिलहाल क्या भाव बिक रही है? अभी 160 रुपये बिक रही, 160 रुपये बिक रही, कांग्रेस के शासनकाल में 70 रुपये बिक रही थी। हाँ, उस टाइम पे माल भी पकता था, माल भी पकता था उस टाइम पे, माल पकता था। क्या है, लोगों ने कपास, अरंडी, सोयाबीन की फसल ज़्यादा कर दी है, अब दूसरे अनाज की फसल कम कर दी है। अब अपने इलाके में पहले ज्वार कितनी पकती थी, मतलब कहीं ना कहीं उपज कम होने के कारण महंगाई बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनेगी, शिवराज सिंह जी आएंगे, शिवराज सिंह जी आएंगे। खरगोन में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, भाजपा कांग्रेस? भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी। हम लगातार लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ एक महिला जुड़ रही है, उनकी एक समस्या वो हमें बता रही है। क्या समस्या है आपको? हमारा ऊन में यहाँ बाजार में सब कीचड़ होता है, हम कीचड़ में बैठा है, परेशानी हुई रही हमका, हमको वो होना चाहिए जी, हमका कुटीना भी नहीं मिली रही ना, कुटीने नहीं मिल रही है, और बाजार में आपको कीचड़ वगैरह होता है, तो आपने एक सरकारी अधिकारियों के सामने या प्रशासनिक अधिकारियों के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी मांग रखी? हाँ, हम ये हमारा ये होएगा तो हम जरूर तुम्हारे ये करांगा, और देवांग तुमका। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी, कमल का फूल, हाथ का पंजा?
हाथ का पंजा जीतेगा। हाँ ये काम करा दो तो, ये काम करा लगे तो हाथ का पंजा जीतेगा। हाँ शिवराज सिंह तुमको महिला ने का 1200-1200 रुपया हर महीने दे रहे, मैं तुम हाथ का पंजा के जीता लोगे। नहीं तो हमको 1200 मिली नहीं रानी, विधवा भाई ना का दूसरी भाई ना का सामने के शिवराज सिंह दे रहे थे तो भाई ने रोको वोट देगा तो बोले दिया कर नहीं तुम कमलनाथ के जिता। एक ये कमलनाथ को जिताएंगे, महिलाएं का अपना एक मत है और ये महिला जो है इनका कहना ये है कि कमलनाथ को जिताएंगे भले पैसे मिलते रहे कुछ भी होता रहे। हम लगातार लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत पुराने व्यापारी हैं, उनके जब मैं छूटा हुआ करता था जब से ये चने का व्यापार कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। क्या समस्या है जी जी आपकी? ये महिला निमाड़ी में कह रही है कि हमारी सुविधा नहीं हुई है हम वोट नहीं डालेंगे, मतलब चुनाव का विरोध करेंगे। पानी की समस्या इनकी, इनका ये कहना है कि पानी की निमाड़ी में बोल रहे हैं पानी की समस्या है और कीचड़ में बैठते हैं। लाइट भी आपको कैसी बना की सरकार बनेगा जो ना जो हमारा तरफ बोला होगा तो की सरकार ओका वोट दियोगे जो हमारे काम करो की तरफ काम करो वोट ना क्या तुम्हारा। अच्छा वोट मांगने आवेगा तो तुम उनका ऐसा कहोगे कि हमारा काम करो तो हम तुमको वोट देंगे। पहले काम करो फिर भी आपको क्या लगता है कि कमल का फूल जीतेगा हाथ का पंजा जीतेगा? कमल का फूल जीतेगा। बाजार हाट में लगातार हम लोगों की राय जान रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम आपका? वीरेंद्र रोहंदी। अच्छा अब चुनाव की घोषणाएं हो गई है, प्रत्याशी तय होने लगे हैं, आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं खरगोन के लिए? खरगोन क्षेत्र में रवि भाई जोशी ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो जमीनी नेता है, जमीन से जुड़कर काम कर रहा है, ऐसा प्रत्याशी हमें चाहिए। रवि जोशी जैसा प्रत्याशी चाहिए आप कहते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है, उनका कार्यकाल कैसा रहा? संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? उनके कार्यकाल से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम कांग्रेस सरकार चाहते हैं बदलाव के दौर में, बदलाव का दौर चाहते हैं। हाँ आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, मध्य प्रदेश में बदलाव होगा। क्या लगता है कांग्रेस की सरकार बनेगी? हाँ सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। ऐसी कौन सी योजना है जमीन पर कांग्रेस लेकर उतरेगी जो जीत हासिल दिलाएगी? कांग्रेस में कई योजनाएं हैं जिससे हम जीत हासिल करेंगे। हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, साथ ही साथ महिलाओं को 1500 रुपये महीना देंगे। अच्छा कांग्रेस की दो योजनाएँ हैं, खरगोन में विधायक रवि जोशी जी हैं, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं, कैसा काम किया उन्होंने? वो बहुत ही अच्छे का नेता है रवि जोशी, माननीय श्री विधायक महोदय, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और आगामी समय में हम आशा यही करते हैं कि रवि जोशी ही आएंगे वापस। जीत किसकी होगी? जीत रवि जोशी जी की होगी, रवि जोशी की जीत होगी। बीजेपी में कई बड़े बड़े प्रत्याशी रवि जोशी के सामने उतर रहे हैं, आपको क्या लगता है रवि जोशी एक बार फिर से जीत दोहरा पाएंगे? बिल्कुल दोहरा पाएंगे, प्रत्याशी कोई भी सामने उतरे जीत कांग्रेस की ही होगी, कांग्रेस की जीत होगी। हमने लगातार लोगों की राय जानने का प्रयास किया, लोगों की राय जानी, जनता की राय जानी, आमजनों की राय जानी, आमजनों की समस्याओं को जाना। आज हमने जनता की बात में पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक से बात की, पब्लिक के विचार जानने का प्रयास किया। आगे एक ऐसी ही चर्चा के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। मेरे कमरा सहयोगी दुर्गेश कुमार के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खबरें अभी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए SW24 न्यूज़ में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।